अलावा एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि थाना बकेवर पुलिस ने देर रात नेशनल हाईवे 2 पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो युवकों को सुरेश और वरुण को पकड़कर जब तलाशी ली, इनके पास 12 बोर की पंप गन मिली। जब पुलिस ने इनके द्वारा दिखाया हुआ शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन करवाया तो लाइसेंस फर्जी निकला। दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि यह लोग सीधे सीधे लोगों को असलहा और उसका लाइसेंस बनाकर बेचते हैं। दोनों की बाइक की तलाशी लेने पर इन दोनों के पास से दो फर्जी शस्त्र लाइसेंस, एक पंप गन, 12 बोर 5 कारतूस, 12 बोर इटावा जिलाधिकारी की मोहर, इटावा डीएम कार्यालय की मोहर, जिला मजिस्ट्रेट की मोहर, ऊषा गन हाउस की मोहर, रिन्यूअल अपूर्त एसडीएम इटावा मोहर, कानपुर फील्ड गन फैक्ट्री की मोहर समेत कई बड़े अधिकारियों की मोहरें बरामद की गई। इटावा से संजीव कुमार की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। फिलहाल दो केस पकड़े गए हैं, जिनकी कब्जे से तमाम तरह की लोगें जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए डिफरेंट पार्टी एरिया कंसर्न है, रिन्यूअल है, नया लाइसेंस जारी करने के मोड़ा है और आर्मी प्रपत्र भी मिले हुए हैं। इनको जो वेरीफाई कराया गया, जो लाइसेंस मिले हुए थे वो फेक थे, इसमें मुकदमा फर्जी कर दिया गया है। इनके कब्जे से एक फैक्ट्री में एसडीएम गन भी बरामद हुई है, जिसको लिंकअप किया गया है। इनसे कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली है, के आधार पर उसको हम लोग पाकर विकसित करेंगे और अन्य भी जो इसमें सम्मिलित अपराधी हैं उनको भी ट्रैक डाउन करेंगे। ये सर रिन्यूअल किया जाता था या नए लाइसेंस भी बनाते थे? दोनों करते थे। मैंने कहा तीन तरह की प्रक्रिया थी, एक तो नया लाइसेंस जारी करना, दूसरी अथॉरिटी जिसके लिए इनके पास किताबें भी होती थी, उसी किताब से एज जेन्युइन जैसा जेन्युइन होता उसी तरह से उसका भी लुक है। दूसरा और लाइसेंस किसी के लिए रिन्यूअल कर देते थे, डिफरेंट तरह की नोरे थी उसको रिन्यूअल कर देते थे। तीसरा यदि आपका ऑल इंडिया बनवाना है तो ऑल इंडिया लेवल तक के एक्सटेंशन करने का उनके पास हो रहे हैं और उस तरह के लिए जानकारी रखते हैं। सर कितने समय से कर रहे थे? अभी जो जानकारी मिली है ये विगत 10-12 सालों से ये कर रहे हैं और काफी इन्होंने किया होगा, तो हम उसको ट्रैक करेंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आगे बढ़ाएंगे। और भी लोग थाने में? जी हाँ, अभी अन्य लोगों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ सूचनाएं हैं उनको विकसित किया है। अब एज पर वो है, यदि आपको नया लाइसेंस लेना है एज पर डिमांड तो नेचुरली उसकी कीमत जो है 15 से 20 हज़ार रुपये होती है और यदि आपको रिन्यूअल कराना है तो 5 हज़ार हो जाती है, एरिया एक्सटेंशन भी 5 से 7 हज़ार में कर रहे हैं। अभी इनको कुछ नहीं याद है, इनसे स्वागत किया गया और कुछ जरूर लाभदायक जानकारियां मिली है अन्य लोगों की भी, उनसे लिंकअप है जो और भी जगहों से लाया जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो जमीन है उसके प्रतीत होती है जो भी चीजें इन्होंने लाइसेंस जारी किए जो बरामद हुए हैं डीएम इटावा के या डीएम रामपुर के दूसरी अथॉरिटी के रूप में, वो आप देखेंगे तो एकदम जमीन है, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, उसको वेरीफाई।